हेलो दोस्तों, मैं साक्षी कुकिंग में साक्षी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे वाली इमली की चटनी, जो कि खाने में एकदम बाजार वाली चटनी जैसी लगेगी। और ये मैं आपको बेहद ही आसान और कम समय में बनाना बताऊँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। गोलगप्पे वाली मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन लेंगे हम। पैन में मैं ये इमली डालूंगी, ये 20 से 25 ग्राम इमली है, इसको हम डाल देंगे। और ये इसी कटोरी से 2 कटोरी है चीनी है, इसको भी इसमें डाल देंगे। और साथ में ये आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है मैंने, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख दूंगी। देखिए मैंने इसको गैस पे रख दिया है, अब इसको हम चला देंगे। ऐसे बनाएंगे। आप चाहें तो इमली को गर्म पानी में भिगो के उसका पल्प निकाल के भी डाल सकते हैं, उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी डाल के मैंने इसको ऐसे ही डाला है, ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा जैसे जैसे पानी गर्म होगा। और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गया है और मैंने इसको बराबर चलाते हुए बताया। और इमली को इसमें मैंने मैश कर दिया है और इमली अच्छे से इसमें मैश हो गई है, देख रहे हैं। और चीनी भी घुल गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये भुना हुआ जीरा लिया है, ये 1 छोटा चम्मच है, ये सोल्ट पाउडर है 1 छोटा चम्मच, और ये 1 छोटा चम्मच काला नमक है। सोल्ट पाउडर मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर आपके पास सोल्ट पाउडर ना हो तो अदरक का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं छोटा छोटा कट करके। अभी इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी और साथ में इसमें मैं डालूंगी इसको थोड़ा चला देंगे। साथ में इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, ये आधा छोटा चम्मच से कम थोड़ा हम इसमें नमक डालेंगे। और कलर के लिए मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता है, जैसे इसका कलर थोड़ा रेड इसमें आएगा। अगर आपको तीखा पसंद है हल्का तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको चीनी कम या ज़्यादा लगे तो आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसको ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो मसालों को चलाते हुए मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इनको और बॉयल होने तक पकाया है। और चटनी हमारी रेडी हो गई, जितना पतला हमें चाहिए उतना हो गया ये परफेक्ट। अब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और हल्का थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो हमारी चटनी अब रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इमली की चटनी कुछ ठंडी हो गई है, अब इसे हम छान लेंगे। और ये देखिए पहले से काफ़ी थिक भी हो गई है, तो इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है चौड़े मुँह वाला, और इसमें हम ये सारी इमली की चटनी डाल देंगे और इसको चलाते हुए छान लेंगे अच्छे से, ताकि जो इसमें हमने मसाले डाले हैं और इमली का जो पल्प है वो छन जाए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इमली की चटनी को मैंने अच्छे से छान लिया है और ये जो इमली का पल्प बचा है इसको हम फेंक देंगे। और जो ये हमारा इमली का चटनी है इसको हम एक सर्विंग बाउल में या छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है ये। तो लीजिए फ्रेंड्स, गोलगप्पे वाली इमली की चटनी बन के तैयार है। और इसे मैंने मगज़ के बीज से गार्निश किया है, ये केवल गार्निशिंग के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, और जैसा कि आपने देखा बहुत ही कम समय भी लगा इसको बनाने में। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करिए, मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर भी करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।